हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों के साथ दिवाली मनाई। चीन से लगी सीमा पर लेप्चा में कड़ाके की ठंड में पीएम मोदी जवानों के साथ दिखे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई और उनकी हौसला अफजाई की और जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम ने तारीफ भी दिल खोल के की, कैसे जवान मुश्किल हालात में हमारे और आपके लिए सरहद की हिफाजत में डटे रहते हैं। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे और मुख्यमंत्री थे, तब भी वो त्योहार पर जवानों के बीच ही जाते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद हर साल वो दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं। पीएम ने 2014 में सियाचिन में, 2015 में पंजाब के अमृतसर में, 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में, 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ में, 2019 में जम्मू के राजौरी में, 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में और 2022 में करगिल में दिवाली मनाई। दुनिया में कहीं पर भी भारतीय अगर संकट में है तो भारतीय सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं। और इसलिए हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। प्रधानमंत्री का दिवाली के मौके पर उस सरहद पर जाना जहां पर पिछले करीब 3 साल से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। चीन की सीमा पर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का उत्साह बढ़ाना काफी मायने रखता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।